पास नया चार पहिया है, क्या आप इसे किराए पर लगाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो हो जाए सावधान, खतरे में है आपकी चार पहिया। पलक झपकते हो जाएगी किसी और की, आप अपनी मर्जी से देंगे किसी दूसरे को। जमशेदपुर में चार पहिया वाहनों की ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह पहले आपके वाहन को किसी बड़ी कंपनी में किराए पर देने के लिए आपसे एग्रीमेंट कराएगा, फिर उसी वाहन को या तो गिरोह ऊंची कीमत पर गिरवी रख देगा या फिर किसी को बेच देगा। शहर के 704 पहिया वाहन इस गिरोह के निशाने पर आ गए हैं और जमशेदपुर के साथ कई दूसरे जिलों में ये सक्रिय है। संदीप मुखी कदमा में रहता है, वो मेरे से एग्रीमेंट करके गाड़ी लिया था, टाटा जेस्ट। वो बोला था कि हम मानगो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चलवाएंगे। हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वो में से गाड़ी ले लिया और गाड़ी लगवा दिया। जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाके हम पता किए कि मेरा गाड़ी यहाँ लगा हुआ है क्या, क्योंकि मेरा अकाउंट आदित्यपुर यूनियन बैंक में ही है, तो उनके मैनेजर से हम बात किए तो यूनियन बैंक की मैम बोली कि वैसा कोई गाड़ी का रिक्वायरमेंट नहीं है। आ गया जब हम बोले कि मेरा गाड़ी रिटर्न करो, तब हमको मालूम चला कि वो गाड़ी मेरा 1 लाख रुपए में बंधक कर दिया। मेरे साथ एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के एवज में क्या किया है, जाके 1 लाख 1.5 लाख पे जाके गिरवी गाड़ी रख दे रहा है। मेरा गाड़ी को गिरवी रखा था गम्हरिया में और एक गाड़ी को रखा बागबेड़ा में। ठीक है, 2 नवंबर को आया, मेरा गाड़ी लेकर के गया घर से, बोला कि आपका गाड़ी उषा मार्टिन भी चलेगा, मंथली का 20,000 रुपया। तो पहले गाड़ी दिए थे तो EMI क्लियर किया था, सब चीज सही सही, तो हमको लगा इस बार भी करेगा। तो इस बार हमको पता चला, भाई साहब हमको बताएं ये कि आपका गाड़ी ऐसे ऐसे फर्जरी किया गया, तो यहाँ आके पता चला रियली में कि मेरा गाड़ी बंधक में दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने जुगसलाई और आजाद नगर थाना क्षेत्र से वाहन ठगी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही 22 चमचमाती कार को भी बरामद किया है। पुलिस के पास लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं कि एक व्यक्ति की कार लेके उसको कुछ दिन उसका रेंट देके उसके बाद उसको बंधक के रूप में किसी दूसरे आदमी के पास में रख देना, फिर दूसरे आदमी के द्वारा तीसरे के पास रख देना, तीसरे के द्वारा चौथे के पास रख देना। और इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को पैसा देना है कुछ सीमित समय तक के लिए। ये ऐसे ही है जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम होती है। भाड़ा पर दिए थे और जो 3 अभियुक्त हैं वो लोग जो है उस गाड़ी गायब कर दिए हैं, भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं। इस पर आजाद नगर थाना प्रभारी द्वारा आजाद नगर थाना कांड संख्या 136/21 दिनांक 12/12/21 को दर्ज किया गया और गाड़ी की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी गाड़ी है गाड़ी को बरामद किया गया है। कितनी गाड़ी बरामद हुई है और कैसे ये लोग मने ठगते थे क्या कुछ बोला? अभी तक हम लोगों के द्वारा 4 गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और इस कांड में अभी तक जो भी संलिप्त हैं 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। आम लोग लोभ में आ जाते हैं और उनसे बेशकीमती कारें ले ली जा रही हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जरूरत है कि बिना जाने समझे किसी प्रलोभन से आम आदमी भी बचे। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से पीयूष की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।